वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और अपने घरों में सेफ और सुरक्षित भी हैं। मन तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये खबर आई है कि हमारे बॉलीवुड के बड़े प्यारे से यंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर ली है, चारों तरफ एक मातम का माहौल है। न्यूज़पेपर्स हों या टीवी हों या सोशल मीडिया हो, हर तरफ उन्हीं की खबर आ रही है और एक अजीब सा दर्द आप हवा में महसूस कर सकते होंगे। बच्चों के चेहरों पर एक खौफ सा दिखाई देता है। ठीक से बच्चे घरों में खाना नहीं खा रहे हैं और बात ही ऐसी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत थे, खासकर उस युवा के लिए जो बहुत मेहनती है और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत उन बच्चों के लिए भगवान ही थे शायद। 3 दिन से घर पे भी यही माहौल है, बच्चे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और अजीब अजीब नज़रों से हमें देख रहे हैं। एज पेरेंट्स हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसे हादसे हमारे समाज में आए दिन होते हैं। अब तो यूँ लगता है जैसे कि सुसाइड हमारा एक रेगुलर फिनोमेना सा बन गया है, और उस समय इतना दुख होता है कि हमारी सोसाइटी किस दिशा में जा रही है। हमारा देश भारत, जो आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत था हमेशा के लिए, आज हमारे देश में मेंटल इलनेस इतनी बढ़ गई है कि युवा के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसका जो मन आ रहा है कह रहा है, जिसके जैसी बुद्धि है दुर्बुद्धि है, जैसे विचार हैं वो अपने कमेंट्स कर रहे हैं। और कमेंट्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि जब सब लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं भी एक पॉजिटिव बात करने की यहाँ पे एक कोशिश करती हूँ। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों के हाथ लग जाए और उनके जीवन में शायद कुछ रूपांतरण हो जाए। वैसे मैं कोई राममोहन राय तो नहीं हूँ कि मैं समाज को बदल सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा ऐसा संपर्क हुआ है, वो जो डिप्रेसिव एलिमेंट्स झेलते थे और उनको मैंने अपनी आँखों से ठीक होते हुए देखा है। और दूसरा, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं युवाओं के साथ ही ज़्यादातर काम करती हूँ, और क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है तो साथ साथ पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं, बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं। युवाओं की दूसरी समस्याएँ ज़्यादा होती हैं, ख़ास करके उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक अकेलापन, और जो आजकल इतने लव अफेयर्स चल गए हैं उनमें बार बार धोखे, हर 6 महीने बाद कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बदलना, ये सारे फैक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारे युवा को अंदर से कमज़ोर करते हैं। मैं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ, मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे हम कितनी भी भौतिक प्रगति कर लें, चाहे हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी यश दौलत हमें मिले, लेकिन जब तक हम अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के साथ बैलेंस नहीं करते, ऐसी घटनाएं आए दिन होती ही रहती हैं, आगे भी होती ही रहेंगी। आज आप ये बताएं कि हमारे युवा वर्ग को क्या पता है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए क्या कहकर गए, या उन्होंने हमारे देश को क्या सिखाने की कोशिश करी। युवा को संतों महात्माओं पीर पैगंबरों की बातें ओल्ड फैशन लगती हैं, ये अचानक युवा को क्या हो गया है? देवी देवताओं को छोड़कर कि वो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की पूजा करते हैं, दिन भर मोबाइल पे उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं, अंदर अपने अकेलापन पैदा कर रखा है। और अगर आप किसी युवा को आप कुछ अच्छी बात सिखाना भी चाहें तो एकदम से शटर्स डाउन कर लेते हैं, मम्मी पापा के पास बैठना उनको पसंद नहीं, और सभी को एक रैट रेस लगी है, एक दिशा में भागना है सक्सेस के पीछे। कितनी सक्सेस चाहिए बताएं एक इंसान को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए? और ख़ासकर जैसे ही इंसान चोटी पर पहुँचता है, उसको सबसे पहले इस
रियलिटी का सामना करना पड़ता है कि अब वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी मेंटल हेल्थ देखें, मुखौटे लगा करके वो समाज के सामने आते हैं और उनकी आंखों में आप देखेंगे तो एक अजीब सा अकेलापन और उदासी दिखाई देती है। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आज से, अभी से ही आप इस विषय के बारे में ज़रूर सोचें कि अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अच्छी सेहत के लिए जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा का ख्याल रखना कब शुरू करेंगे? बॉडी, माइंड और सोल तीनों के बीच में जब बैलेंस नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, अंदर शांति नहीं होगी, कितना भी आप पैसा कमा लें, कितने भी बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अभिनेता, नेता बन जाएं, आपके अंदर एक खालीपन, एक कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि इस कमी को, जो आत्मा में कमी है, उसको पैसा या दौलत नहीं भर सकती। यह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बुक रिव्यू। इस किताब का नाम है द हार्टफुलनेस वे और ये लिखी है एक अमेरिकन यंग वायलिनिस्ट ने जिसका नाम जोशुआ पॉलक है। और अगर आपने एआर रहमान की फिल्में, आपने उनके म्यूज़िक को ध्यान से सुना है, तो आप पहचान जाएंगे कि यही वो वायलिनिस्ट हैं जो उनकी सभी फिल्मों में वायलिन बजाते हैं। जोशुआ पॉलक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मेडिटेशन प्रैक्टिशनर और ट्रेनर हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में और इंटरनेशनल लेवल्स पे वायलिन भी बजाए हैं और इन्होंने म्यूज़िक में काफ़ी सारी डिग्रीज भी करी हैं, लेकिन अध्यात्म की तड़प इनमें इतनी ज़्यादा थी कि ये इंडिया बार बार आए और चेन्नई में मणपाकम नामक एक जगह से इन्होंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली। ये जो मैं फ़ोटो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये इनके गाइड हैं, प्यार से इनको दाजी बोलते हैं, वैसे इनका नाम कमलेश डी पटेल है। और इन्होंने भी 30-40 साल तक न्यूयॉर्क सिटी में फार्मेसी में इन्होंने बिजनेसेस किए और जॉब्स करी। ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के चौथे गाइड हैं। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है जो 160 से भी ज़्यादा देशों में हर इंसान को मेडिटेशन करना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। फ़िलहाल इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, मैं कई बार वहाँ गई हूँ और मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मैंने भी इसी संस्था से मैंने भी मेडिटेशन करना सीखा। और इस मेडिटेशन को करने के बाद मेरे अंदर जो माँ की मृत्यु हो गई थी मेरी बचपन में, मैं भी उतनी ही छोटी थी जितने की सुशांत सिंह राजपूत थे, और मैं इनका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये सुसाइड क्यों इन्होंने कर ली। और जो दर्द मैं हर क्षण झेलती थी, इस साधना पद्धति से धीरे धीरे वो मेरा दर्द काफ़ी कम हो गया। और बकायदा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस इंस्टीट्यूशन से ट्रेनर्स को बुलाया था और हम सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान मेडिटेशन की पद्धति सिखाई। उसके बाद हमने फिर आगे लोगों को सिखाना शुरू कर दी है। फ़िलहाल तो मैं टीवी में भी जाती हूँ, रेडियो में भी जाती हूँ और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मेरी टॉक भी सुन सकते हैं जो कि यूथ के ऊपर है। और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ज़्यादातर हम यूथ की काउंसलिंग करते हैं और उनको हम मेडिटेशन सिखाते हैं। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमारे देश में बात नहीं की जाती, लेकिन मैं अपने सभी व्यूअर्स से प्रार्थना करूंगी कि आपको डिप्रेशन में जाना ही क्यों है? आप उस दिन का इंतज़ार क्यों करते हैं कि जब आप ये सोचें कि आपको डिप्रेशन होगा तो आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे? ऐसा नहीं होता है। अचानक से दिमागी समस्याओं का इलाज जादू की छड़ी से नहीं किया जाता है। रोज़ के रोज़ हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम भी करना पड़ता है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, स्पेशली यूथ से गुजारिश है कि आप अपने जीवन को संतुलित करने के लिए रूहानियत की तरफ ज़रूर मुड़ें, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें और आप अपनी आत्मा के अंदर जो इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द भरा हुआ है और जिसको आप छुपाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उस दर्द को, उस डर को, उस स्ट्रेस को आप खुद अकेले सामना करें, दोस्तों
से उम्मीद आप छोड़ें कि आपको डिप्रेशन होगा तो दोस्त आपकी मदद करेंगे, आप खुद अपने आप को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप में इतना धैर्य है कि आपने 10 मिनट तक ये टॉक सुन ली है। अभी आप ये सुने कि आपको आगे करना क्या है। ये जो किताब के बारे में मैंने बताया है, द हार्टफुलनेस वे, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है और ये अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। मैंने ये 150 रुपये में ख़रीदी थी, लेकिन इस समय शायद इसकी कीमत और कम हो चुकी है। तो बेहतर होगा आप इस किताब को अगर मंगा सकते हैं तो मंगा लें और इसको पढ़ना शुरू करें। इस किताब में आपको हर जानकारी बहुत आसान शब्दों में मिल जाएगी। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें, हमारे भय, हमारे स्ट्रेसेस, हमारे चिंता, हमारे अंदर के दर्द, जो भी हम अब इस जीवन में भोगते हैं, जोशुआ पॉलक ने उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इस किताब में अपने गुरु से पूछ करके लिखा है और उनके सॉल्यूशंस भी इस किताब में बताए गए हैं। दूसरी बात, आप heartfulness.org साइट को विज़िट करें, वहाँ से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, हार्ट्स ऐप एप्लीकेशन को एंड्रॉयड में डाउनलोड करके आप घर बैठे बैठे मेडिटेशन की सिटिंग्स ले सकते हैं। 3 दिन तक लगातार आधे घंटे की एक सिटिंग आपको ट्रेनर उस ऐप के ज़रिए दे देंगे ऑनलाइन। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसका कोई भी पैसा डिपॉज़िट नहीं करना है। 4th दिन से आप बड़े आसानी से अपने आप ही मेडिटेशन कर सकते हैं। बीच में अगर आपको तनाव महसूस हो तो आप कभी भी उस ऐप में लॉग इन करके ट्रेनर के साथ भी मेडिटेट कर सकते हैं, अपने घर के सुकून में बैठ करके। और 4th सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी धर्म के लोग इस साधना को, इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। ये साइंटिफिक है, ये धर्म से ऊपर है। आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं या सिख हैं, रूह का धर्म से कुछ मामला नहीं है। रूह इंसान के शरीर से परे होती है, वो किसी धर्म या जाति या देश में बंधी नहीं होती। इसलिए जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, एक अमेरिकन व्यक्ति आकर के भारत में अपनी आत्मा की तड़प को मिटाने के लिए अगर ये साधना पद्धति सीख सकता है तो हमारे देश के युवा के लिए ये डूब मरने वाली बात है। मुझे तो इतनी शर्म महसूस हुई कि हम इंडियंस कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे देश की संपदा है। हमारे देश में हर देश से, दूर दराज से लोग आए हर युग में और अध्यात्म सीख करके गए। आप देखिए, गौतम बुद्ध थे तो वेन सांग आए, उन्होंने पूरा बुद्धिज्म जाके चाइना में फैला दिया और वो कितने मजबूत बन गए। लेकिन हम अपने देश की इस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को नेगलेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। और फिर जब ऐसे हादसे समाज में हो जाते हैं, सुसाइड्स हो जाती हैं, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सफलता से परेशान होकर इंसान अपनी आत्मा को ज़बरदस्ती उस शरीर से परे कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो फिर हम सब सदमे का शिकार होकर एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया। शरीर और आत्मा और मन का बैलेंस करना हर इंसान का फ़र्ज़ है और ये उसका पर्सनल एफर्ट है। हर इंसान को अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए, अपनी आत्मा को खुराक देने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी जादुई दवा या जादुई छड़ी या कोई टेक्निक नहीं है कि वो आपका अचानक से इलाज कर देगा। डिप्रेशन एक ऐसा दाग है जो समाज हमारे ऊपर लगाता है, तो उससे हमें बहुत कष्ट होता है।